महुआ में वट सावित्री की पूजा अर्चना कुछ जगहों पर अनोखे ढंग से मनाई गई। इस दौरान महिलाओं ने अपने चेहरे को मास्क लगाकर ढका तथा सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन करते हुए वट सावित्री की पूजा अर्चना की तथा अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना की। महिलाओं ने बताया कि अभी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, हम लोग इसी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन कर रहे हैं तथा चेहरे पर मास्क लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं ताकि संक्रमण एक दूसरे से न फैले। इस दौरान प्रिया गुप्ता, निशी गुप्ता, गुड़िया जायसवाल आदि उपस्थित थे। महुआ नगर पंचायत के पुरानी बाजार स्थित वट वृक्ष के पास महिलाओं ने वट सावित्री पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ की। इस दौरान वट वृक्ष की पूजा की, वहीं वट वृक्ष की परिक्रमा कर अपने पति के लंबी आयु की प्रार्थना की। वहीं वट वृक्ष के पास ही बैठकर महिलाओं ने सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी। वहीं इस पूजा अर्चना के दौरान काफ़ी संख्या में महिलाएँ भी उपस्थित थी। मजदूर नीति में परिवर्तन, गरीब मजदूरों को 10,000 रुपये की राशि देने, किसानों को KCC ऋण देने एवं किसानों को खाद बीज मुफ्त मुहैया कराने के मांग को लेकर महुआ के फुदेनी चौक पर AIKKMS कार्यकर्ताओं ने प्रतिवाद दिवस मनाया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विश्वनाथ विप्लवी एवं संचालन ललित कुमार घोष ने किया। इस दौरान लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद हजारों हजार मजदूर के शहादत के बाद जो काम का घंटा 8 से 12, 12 से 8 किया गया था, उसको भारत सरकार कोरोना की आड़ में फिर से 8 से 12 कर दिया है, जो बहुत ही किसान विरोधी मजदूर विरोधी नीति है, जिसको निरस्त करने के लिए आज देशव्यापी सभी श्रमिक संगठन और किसान मजदूर संगठन का प्रतिवाद दिवस निकाला गया है और सभी प्रधानमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से आज मांग पत्र दिया जा रहा है। और जो ये लॉकडाउन के दौरान जो अभी की मजदूरों का वापसी हुआ, मजदूर भी परेशान है, उनको आवश्यक सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए इस प्रतिवाद दिवस के माध्यम से भी मांग किया जा रहा है कि सभी प्रवासी मजदूरों को, किसानों को 10,000 रुपया तुरंत देने की गारंटी सरकार करे और ये जो मजदूर विरोधी नीति लाई है सरकार, इसको निरस्त करे। महुआ बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अनियंत्रित ट्रक बिजली का खम्भा को तोड़ते हुए क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस दुर्घटना में बहुत से लोग बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि समस्तीपुर से तेज रफ्तार की एक ट्रक आ रही थी, इसी दौरान अचानक अनियंत्रित होकर एक मार्केट की तरफ घूमा। ड्राइवर ने पूरा प्रयास रोकने का किया, लेकिन ट्रक बिजली का खम्भा तोड़ते हुए बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह ड्राइवर को बाहर निकाला, बाद में क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क से हटाया गया। लॉकडाउन 4.0 को लेकर महुआ गांधी चौक पर पुलिस द्वारा बाइक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने बाइक के कागजात और हेलमेट की चेकिंग की। पुलिस द्वारा चेकिंग चलाए की जाने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कई बाइक चालक रास्ता बदलकर जाते हुए देखे गए। वहीं पुलिस ने बिना कागजात और हेलमेट के चलने वाले बाइक चालकों से जुर्माने की राशि भी वसूली की।